दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि WhatsApp का जो है डिलीट मैसेज, यानी आपने जितने भी बात किया है, चैट किया है, वो मैसेज हो या फोटो हो या वीडियो हो, वो यदि डिलीट हो जाता है तो उसको आप वापस कैसे ला सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं, जो मैं 100% आपको कर दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे मैसेजेस हैं जो यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे मोर पे क्लिक करता हूँ और क्लियर चैट पे क्लिक कर इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिस है। अब उसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं पहले थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे थ्री लाइनिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे आता हूँ। सेटिंग पे आने के बाद अब मैं जाता हूँ चैट्स वाले ऑप्शंस पे। चैट्स वाले ऑप्शंस पे जाने के बाद अब आपको क्या करना है, चैट बैकअप वाले पे क्लिक करना है। चैट बैकअप वाले पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको चैट बैकअप पे क्लिक कर देना है, यानी बैकअप आपको ले लेना है। बैकअप जब आप दोस्तों यहाँ से ले लेते हैं तब ये आपका बैकअप चैट कर रहा है, जो मोमेंट 100% कर दिया है। अब आपको क्या करना है, चैट बैकअप आपका आ गया। अब मुझे WhatsApp डिलीट करना है और इसका फिर से बैकअप लेना है, जो मैंने जितना भी दिखाया एक बार फिर से दिखा देता हूँ, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा ध्यान से। ये जो मैंने ऑफिस वाला मैसेज उड़ाया था, देख लीजिए सारा आपके सामने चैट था, और इतने सारे हैं सब, जो देख लीजिए यहाँ पे गोविंद के नाम से देख लीजिएगा और ध्यान में रख लीजिए। अब इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, WhatsApp मेरा बाय द वे डिलीट हो गया। अब पुराना मैसेज मुझे वापस लेना है, इसको मैं क्या किया, डबल मतलब प्रेस कर किए रखना है, आपको प्रेस किए रखना है। अब किसी तरह से आप एप इन्फो पर जाते हैं और क्लियर डाटा कर देते हैं, या इसको यूनइंस्टॉल ही कर देते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टोरेज पर आता हूँ, स्टोरेज पे। अब यहाँ से मैं स्टोरेज पे आने के बाद मैं कर देता हूँ क्लियर डाटा, ठीक है। क्लियर डाटा पे क्लिक कर ओके कर दिया। अब ये मेरा WhatsApp का क्लियर डाटा हो गया आपके सामने लाइव प्रूफ। अब मैं फिर से WhatsApp को ओपन करता हूँ, तो देखिएगा WhatsApp को ओपन करने के बाद आपका मानकर चलिए कि सारा जो व्यवस्था है ख़त्म हो गया। अब फिर से ये WhatsApp आपका ओपन हुआ या यूनइंस्टॉल कर दिए, अब आपको पुराना मैसेज चाहिए तो उसके लिए मेथड यही है, जो आप ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी, उसको ले लेना है आपको। लेने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर आपको वही मोबाइल नंबर डालना है, या आप अलग फ़ोन में कर सकते हैं, उसका भी मैसेज जितना भी पुराना मैसेज है वापस प्राप्त कर सकते हैं फिर से, ठीक है। सब व्यवस्था है, क्लिक करना है। अब नंबर मैं इंटर करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों मैंने नंबर ऊपर इंटर कर दिया है और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। हाइड करने के लिए बोल रहा है कि आप किससे वेरीफाई करना चाहते हैं, तो मैं वेरीफाइड बाई SMS कर देता हूँ, मैसेज से वेरीफाई करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मेरे नंबर पे ऑटोमेटिकली OTP जाएगा। अब OTP के बाद ही जब ओपन होगा तो यहीं से मैं पूरा पुराना मैसेज, जितना भी मेरा ओल्ड मैसेज, इसको वापस ले सकता हूँ। तो आपका भी डिलीट हो गया हो तो यही आपको काम करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से मैसेज मेरे पास आ गया है, मैसेज ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद वेरीफाइड कंप्लीट हो गया, उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, कंटिन्यू दे देता हूँ। कंटिन्यू देने के बाद अलाउ का ऑप्शन मिलता है, अलाउ दे देता हूँ, फिर से अलाउ दे देता हूँ आपके सामने। अब यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा, लुकिंग बैकअप आ गया। यहाँ पे 248 MB का मेरा जितना भी पुराना से पुराना मैसेज रिलेट हुआ है, सारा मेरा लुकिंग बैकअप मुझे मिल रहा है। यहाँ से आपको ध्यान देना है कि एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ से एक गलती स्किप के ऑप्शंस पे नहीं क्लिक करना है। जब भी आपको क्लिक करना है बैकअप लेने के लिए, आपको रिस्टोर पे क्लिक करना है। रिस्टोर पे क्लिक करने के बाद लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं कि आपके सामने है, जितने भी मेरे मैसेज है बैकअप फाउंड कर रहा है 248 MB का, और मेरा जितना भी पुराना से पुराना चैट था 101% वापस आ जाएगा। आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, देखिए मेरा फ़ोटो भी आ गया। नेक्स्ट पर क्लिक किया, इंस्टॉलेशन ले रहा है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। आप अपना पुराना से पुराना जितना भी पुराना मैसेज है, आप उसे इसी प्रकार से वापस ला सकते हैं, चाहे आप किसी भी फ़ोन में क्लिक करें आपको मैसेज आ जाएगा वापस। देख सकते हैं मेरा टोटल मैसेज वापस आ गया, और टोटल देख सकते हैं बैकअप लेकर मैं वापस फिर से वही स्थान पे आ चुका हूं। तो पहले आपको बैकअप ले लेना है, फिर आप किसी भी फ़ोन में अपना काम कर पुराना से पुराना मैसेज वापस ले सकते हैं।